अस्सलाम वालेकुम। सबास विस क्लासेस में आज हम इंशाल्लाह एक बहुत ही मज़ेदार और आसान सा पुलाव बेरी पुलाव बनाना सीखेंगे। ये झटपट बनने वाला ज़बरदस्त पुलाव है, तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। लेकिन वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। सबसे पहले हम पुलाव मसाला बनाएंगे। उसके लिए हम एक टीस्पून काली मिर्ची लेंगे, 10 हरी इलायची लेंगे और एक टेबलस्पून धनिया लेंगे। ये सूखा धनिया है, यानी धनिया के बीज लिए हमने, और एक स्टार एनिस मींस करण फूल है, और एक टेबलस्पून सौंफ, और यहाँ एक इंच की सूखी अदरक है मींस सौंठ है, और 8 से 10 लौंग हैं। देखिए हम एक टुकड़ा जावित्री का ले रहे हैं, और जायफल में से हमने बस थोड़ा सा जायफल लेना है, 2 पिंच जितना, और एक बड़ी इलायची है देखिए, और उसके बाद हम लेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा। ये सारी चीज़ें हम भून कर थोड़ा सा पीसेंगे, या फिर आप इसे बिना भूने भी पीस सकते हैं। सारी चीज़ें आप पीस लीजिए और पीस कर इसका मसाला तैयार कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए एक पैन में हम 3/4 कप यानी 1/4 कप तेल गरम करते हैं, और तेल गरम करने के बाद हम इसमें 2 कटी हुई प्याज डालेंगे और प्याज को हम फ्राई करेंगे। प्याज गोल्डन होने तक हमें इसे फ्राई करना है। देखिए प्याज गोल्डन जब हो जाएगी तब हम इसमें दूसरे मसाले ऐड करेंगे। इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई कीजिए। देखिए प्याज गोल्डन हो गई है। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और 3 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। 3 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट डाल दीजिए, और उसके बाद ये 500 ग्राम उबला हुआ गोश्त डाल दीजिए। मैंने गोश्त को कुकर में हल्दी नमक और अदरक लहसुन के साथ गला लिया था। उसके बाद आप इसमें 1 कप दही डालिए। ये 1 कप इक्वल होगा 250 ml के, यानी 1/4 लीटर के। इसे आप अच्छी तरह से पका लीजिए। जब दही की अच्छी स्मेल ख़त्म हो जाएगी तब आप इसमें 3 टीस्पून बनाया गया पुलाव मसाला डाल दीजिए और इसे अच्छी तरह से मिलाइए। अब ये हमारी ग्रेवी तैयार हो गई है। अब हम क्या करेंगे, चावल बनाने के लिए पानी उबालेंगे। देखिए मैंने पानी उबलने के लिए रखा है, उसमें 8 लौंग डाल दीजिए और 8 हरी इलायची डाल दीजिए और 1 टीस्पून शाहजीरा डाल दीजिए। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से उबलने दीजिए, और साथ ही इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डालिए, बस 1/2 टीस्पून जितनी काली मिर्च डाल दीजिए। और उसके बाद आप इसमें 2 से 3 टीस्पून नमक डालिए, या फिर इतना नमक डालिए कि पानी नमकीन लगे, ओके। उसके बाद आप इसमें 1/4 किलो यानी 750 ग्राम धोकर भिगोए हुए बासमती चावल डाल दीजिए। ये बासमती चावल को मैंने 1 घंटे से भीगने के लिए रखा था। अब इसे हाई फ्लेम पर पकाइए जब तक कि ये चावल 90% तक पकते हैं, यानी बिल्कुल पकने के करीब हों तब तक आप इसे पकाएं। जब ये 90% पक जाएंगे तब आप इसका पानी निथार लीजिए। देखिए पानी हमने निथार लिया है और चावल निकाल लिए हैं। अब देखिए ये यहाँ पर 1 कप क्रैनबेरीज ले लीजिए। क्रैनबेरीज को धोकर भिगो दीजिए थोड़े से गर्म पानी में, और चावलों की एक लेयर इस भगोने में बिछाइए, यानी पतली सी एक लेयर बिछाइए। उसके बाद आप इस पर बनाई गई ग्रेवी डाल दीजिए। जो गोश्त की ग्रेवी हमने बनाई थी वो डालिए। 1 टीस्पून पुलाव मसाला छिड़क दीजिए इस पर जो हमने बनाया था। फिर क्रैनबेरीज डाल दीजिए थोड़ी सी। क्रैनबेरीज डालने के बाद हम इस पर कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना डाल देंगे। अब इस पर उबाले हुए जो चावल थे वो डाल दीजिए, यानी बचे हुए जो चावल हैं वो सारे चावल डाल दीजिए और इन्हें बराबर कर लीजिए। और फिर हमने ये पुलाव मसाला डाल दिया। 1 टीस्पून पुलाव मसाला डाल दीजिए, इसे भी बराबर कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद देखिए ज़ाफ़रान को, हम थोड़े से ज़ाफ़रान को गर्म पानी में भिगो देंगे, या फिर आप चाहें तो गर्म दूध में भी भिगो सकते हैं। अब चावलों पर थोड़ी सी क्रैनबेरी डाल दीजिए और ये ज़ाफ़रान डाल दीजिए जो हमने भिगो कर रखा था,
और फिर घी डाल दीजिए। हमने इस पर 2 से 3 टेबल स्पून देसी घी डाल देना है। देसी घी से इसका पुलाव, ये जो पुलाव है उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। फिर उसके बाद हमने इस पर काजू और बादाम डाल देने हैं और 1 कप गर्म पानी डालिए ताकि इसमें भाप बने, और ढक्कन ढाँक कर 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पर और 15 मिनट लो फ्लेम पर इसे पकाइए। 15 मिनट बाद जब आप इसे खोलेंगे तो बेहतरीन खुशबूदार पुलाव तैयार है। तो देखिए कितने खिले खिले चावल हैं, देखा आपने। और हाँ, पुलाव मसाला बनाते वक्त याद रखिए कि आप इसे नहीं भूनेंगी और डायरेक्टली पीसेंगी तो ही अच्छा रहेगा। अगर आप भूनना चाहते हैं तो भून सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग भून कर बनाते हैं, लेकिन मैंने ये बिना भूने ही इस मसाले को बनाया है, याद रखिए। देखिए सारे चावल बिल्कुल खिले खिले हैं और अंदर बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार सा मसाले वाला गोश्त है। तो कहिए कैसी लगी आपको ये रेसिपी। हाँ, ये टेस्ट में बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरी फैमिली को भी। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए, और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ एक नई और यूज़फुल रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग सबाज बिस्क क्लासेस।